और सीधे अब आपको वाराणसी लेके चलते हैं जहां पीएम मोदी संबोधन कर रहे हैं। राम नायक जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी सुषमा स्वराज जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी जनरल वीके सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और दुनिया भर से पधारे और काशी पधारे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी यहां अपनी अपने पूर्वजों की मिट्टी की महक से खींचे चले आए हैं। कल जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान मिलने वाला है, उन्हें मैं अपनी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन मेरे लिए भी विशेष है। जैसा कि सुषमा जी कह रही थी, मैं यहां आपके सामने प्रधानमंत्री के साथ साथ काशी का सांसद होने के नाते एक मेजबान के रूप में उपस्थित हुआ। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, मेरी यही प्रार्थना है। साथियों, आज आपसे अपनी बात शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर श्री 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 शिवकुमार स्वामी जी के निधन पर अपना शोक व्यक्त करना चाहता हूं। तुमकुर के श्री सिद्ध गंगा मठ में मुझे कई बार उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला था और जब भी उनसे मिलता था, वो एक बेटे की तरह मुझे इतना स्नेह करते थे, इतना आशीर्वाद देते थे। ऐसे महान संत महाऋषि का जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है। मानव कल्याण के लिए उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। मैं आदरपूर्वक उन्हें नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। भाइयों और बहनों, दुनिया भर में बसे आप सभी भारतीयों से संवाद का यह अभियान हम सभी के प्रिय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। अटल जी के जाने के बाद यह पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन है। इस अवसर पर मैं अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनकी इस विराट सोच के लिए नमन करता हूं। साथियों, आप सभी काशी में हैं और इसलिए मैं काशी और आप सभी में एक समानता भी देख रहा हूं। बनारस नगरी चीर काल से ही भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक और ज्ञान की परंपरा से दुनिया में देश का परिचय कराती रही है। आप भी अपने दिलों में भारत और भारतीयता को
संजय हुए, इस धरती की ऊर्जा उसे दुनिया को परिचित करा रहे हैं। साथियों, मैं आपको भारत का ब्रांड एम्बेसेडर मानने के साथ ही भारत के सामर्थ्य और भारत की क्षमताओं, देश की विशेषताओं का प्रतिनिधि भी और प्रतीक भी मानता हूं। इसलिए ही आप अभी जिस देश में भी रह रहे हैं, वहां के समाज को भी आपने अपना पद दिया है, वहां की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया है, आपने वसुधैव कुटुंबकम इस भारतीय दर्शन का, हमारे पारिवारिक मूल्यों का विस्तार किया है। आप सभी जिस देश में बसे हैं, वहां के समाज के लगभग हर क्षेत्र में लीडरशिप के रोल में नजर आते हैं। मॉरिशस को श्री प्रवीण जगन्नाथ जी पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पुर्तगाल, त्रिनिदाद टोबेगो और आयरलैंड जैसे अनेक देशों को ऐसे सक्षम लोगों का नेतृत्व मिला है जिनकी जड़ें भारत में है। साथियों, आप सभी के सहयोग से बीते 4.5 वर्षों में भारत ने दुनिया में अपना स्वाभाविक स्थान पाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। पहले लोग कहते थे कि भारत बदल नहीं सकता, हमने इस सोच को ही बदल डाला है। हमने बदलाव करके दिखाया है। साथियों, दुनिया आज हमारी बात को, हमारे सुझावों को पूरी गंभीरता के साथ सुन भी रही है और समझ भी रही है। पर्यावरण की सुरक्षा और विश्व की प्रगति में भारत के योगदान को दुनिया स्वीकार कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ के साथ साथ सियोल पीस प्राइज का मिलना इसी का परिणाम है। साथियों, आज भारत अनेक मामलों में दुनिया की अगुवाई करने की स्थिति में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आइसा ऐसा ही एक मंच है। इसके माध्यम से हम दुनिया को वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड उस तरफ ले जाना चाहते हैं। ये हमारे उस लक्ष्य का भी हिस्सा है जिसके तहत हम भारत की समस्याओं के ऐसे समाधान तैयार कर रहे हैं जिनसे दूसरे देशों की मुश्किलें भी हल हो सके। लोकल सॉल्यूशन ग्लोबल एप्लीकेशन के अप्रोच के साथ हम काम कर रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और सबका साथ सबका विकास के सूत्र पर चलते हुए देश ने बीते 4.5 वर्षों में क्या पाया, इसकी एक तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज भारत
दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमिक ताकत है, तो स्पोर्ट्स में भी हम बड़ी शक्ति बनने की तरफ निकल। बड़े और आधुनिक संसाधन बन रहे हैं तो स्पेस के क्षेत्र में भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत भी चला रहे हैं। आज हमारा युवा मेक इन इंडिया के तहत रिकॉर्ड स्तर पर मोबाइल फोन, कार, बस, ट्रक, ट्रेन बना रहा है, तो वहीं खेत में रिकॉर्ड अन्न उत्पादन भी हो रहा है। मैं एक उदाहरण देता साथियों, आप में से अनेक लोगों ने हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर कही एक बात जरूर सुनी होगी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली से जो पैसे भेजती है उसका सिर्फ 15% ही लोगों तक पहुंच पाता है। अगर दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा गांव में पहुंचता है, 85 पैसे छूमंतर हो जाते हैं। ये एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने हमारे देश में कहा था। इतने वर्ष तक देश पर जिस पार्टी ने शासन किया उसने देश को जो व्यवस्था दी थी उस सच्चाई को प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन अफसोस ये रहा कि बाद के अपने 10-15 साल के शासन में भी इस लूट को, इस लीकेज को बंद करने का प्रयास नहीं किया गया। बीमारी तो पता चला, बीमारी को स्वीकार भी किया, लेकिन इलाज करने की दिशा में न सोचा न कुछ किया। देश का मध्यम वर्ग ईमानदारी से टैक्स देता रहा और 85% की लूट भी चलती रही। साथियों, अब मैं आपको आज की सच्चाई भी बताना चाहता हूं। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस 85% की लूट को 100% खत्म कर दिया है। बीते 4.5 वर्षों में करीब करीब 5 लाख 80 हजार करोड़ रुपए यानी करीब करीब $80 बिलियन हमारी सरकार ने अलग अलग योजनाओं के तहत सीधे लोगों को दिए, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। किसी को घर के लिए, किसी को पढ़ाई के लिए, किसी को स्कॉलरशिप के लिए, किसी को गैस सिलेंडर के लिए, किसी को अनाज के लिए ये राशि दी गई है। अब आप अंदाज लगाइए, अगर देश पुराने तौर तरीकों से ही चला रहा होता तो आज भी इस 5,80,000 करोड़ रुपए में से करीब करीब 4.5 लाख से भी ज्यादा हजार करोड़, 4.5 लाख हजार करोड़ से ज्यादा ये रकम
छूमंतर हो जाती, लीक होती। अगर हम व्यवस्था में बदलाव नहीं लाते होते तो ये राशि उसी तरह लूट ली जाती जैसे पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था कि लूटी जाती थी। साथियों, ये सुधार पहले भी हो सकता था लेकिन नियत नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी और नीति की अपेक्षा करना जरा कठिन लगता है। हमारी सरकार अब उस रास्ते पर चल रही है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली हर मदद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। पिछले 4.5 साल में हमारी सरकार ने करीब करीब 7 करोड़ ऐसे फर्जी लोगों को पहचान कर उन्हें व्यवस्था से हटाया है। ये 7 करोड़ लोग वो थे जो कभी जन्मे ही नहीं थे, जो वास्तव में थे ही नहीं, लेकिन ये 7 करोड़ लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। कागज पे वो थे, कागज पे वो पैदा भी हुए, बड़े भी हुए और फायदा भी उठाते रहे। आप सोचिए, पूरे ब्रिटेन में जितने लोग हैं, पूरे फ्रांस में जितने लोग हैं, पूरे इटली में जितने लोग हैं, ऐसे अनेक देशों की जनसंख्या से ज्यादा तो हमारे यहां वो लोग थे जो सिर्फ कागजों में ही जी रहे थे और कागजों में ही सरकारी सुविधाओं का लाभ चला जाता था। इन 7 करोड़ फर्जी लोगों को हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये उस बदलाव की एक झलक है जो पिछले 4.5 वर्षों में देश में आना शुरू हुआ है। साथियों, ये देश में बड़े पैमाने पर हो रहे परिवर्तन की, न्यू इंडिया के नए आत्मविश्वास की एक झांकी भर है। भारत के गौरवशाली अतीत को फिर स्थापित करने के लिए 130 करोड़ भारतवासियों के संकल्प का यह परिणाम है और मैं आज बहुत गर्व से कहना चाहता हूं, इस संकल्प में आप भी शामिल हैं। साथियों, सरकार का पूरा प्रयास है कि आप सभी जहां भी रहे सुखी रहे और सुरक्षित रहे। बीते 4.5 वर्षों के दौरान संकट में फंसे 2 लाख से ज्यादा भारतीयों को सरकार के प्रयासों से दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में मदद पहुंचाई गई है। आपकी सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ पासपोर्ट, वीजा, पीआईओ और ओसीआई कार्ड को लेकर भी तमाम प्रक्रियाओं को आसान करने की कोशिश सरकार कर रही है।